हाँ दोस्तों, हर हर गंगे आप सबका हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में आज हम आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव दृश्य सुबह 7:44 का दिखाएंगे और आज हम कौन से ट्रेन में आ रहे हैं ये भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे एक नया टैक्सी स्टैंड प्रीपेड ओपन हुआ है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, तो हम उसका भी दृश्य इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम आए हैं ऋषिकेश बाड़मेर वाली ट्रेन से, जो बाड़मेर से चल के ऋषिकेश तक जाती है। स्टॉपिज के बाद कहूँ तो यहाँ पे ये ट्रेन 20 मिनट रुकती है। काफ़ी सारे श्रद्धालु ट्रेन से उतर रहे हैं, अभी हम बाहर की ओर जा रहे हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो दिखाएं जिससे हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, तो आप वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी और पूरी दृश्य आपको आज देखने को मिलने वाली है। काफ़ी सारे कमेंट थे और काफ़ी सारे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर मैं वीडियो पर दे देता हूँ। अगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। वो सामने आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, हम उसी ब्रिज से ही ऊपर जाएंगे। अगर कोविड की जांच हो रही होगी तो ब्रिज में ही हमें रोक दिया जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे कहां पे रोका जाता है। काफ़ी सारे श्रद्धालु दूसरे ब्रिज से आ रहे हैं और काफ़ी सारे इस ब्रिज से जा रहे हैं। ये वाली ब्रिज डायरेक्ट बाहर की ओर ड्रॉप करती है और दूसरे ब्रिज प्लेटफॉर्म 1 में ही ड्रॉप करेगी। हमें प्लेटफॉर्म 1 से फिर निकलना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली दृश्य देख रहे हैं, वो आप इधर से भी डायरेक्ट हम आ सकते हैं। ये कुछ दूर बाद ही अभी अगर कोविड जाँच होता रहता तो रोक दिया जाता, और अभी आपको दिखाऊँगा मैं। अगर कोविड जांच होता तो हमें यहीं पे रोका जाता और इधर से प्लेटफॉर्म 1 में जहां पे कोविड की जांच होती रहती वहां पे भेजा जाता। तो आज कोविड की जांच नहीं हो रही है, ऐसे अभी मैं लास्ट वीडियो में भी जो एक हफ्ते पहले आई थी लगभग, उसमें भी कोविड की जांच नहीं हो रही थी और आज भी कोविड की जाँच नहीं हो रही है। तो अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना यह भी था कि चेकिंग कहाँ कहाँ होती है, तो आपको बता दूं चेकिंग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे होगा और कहीं पे नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से दृश्य हरिद्वार रेलवे स्टेशन का। और हरिद्वार बस स्टैंड की बात कहूँ तो ये हरिद्वार बस स्टैंड जहाँ पे टैक्सियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ पे हरिद्वार बस स्टैंड का एंट्री डोर है। तो देख सकते हैं हरिद्वार बस स्टैंड और हरिद्वार रेलवे स्टेशन लगा हुआ है। अगर आप कभी बस से भी जाना चाहें ट्रेन से आके, तो आप बस का भी सर्विस ले सकते हैं। ऐसे में आपको और भी एक जगह का दृश्य दिखाऊंगा जहाँ पे कोविड की बूथ लगी होती है, जहाँ पे हमें भेजा जाता है और जहाँ पे कोविड की जांच होती है। ऐसे कोविड की जांच होती तो निःशुल्क होता, किसी प्रकार के आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको एक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती। अभी आपको दृश्य जो हमने दिखाया यहीं पर कोविड की जाँच होती है और यहाँ पर सारे श्रद्धालुओं को बुलाया जाता है और एक साथ यहाँ पर कोविड की जाँच होती है। जो हमने बताया था प्रीपेड टैक्सी स्टैंड, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी स्टैंड है। नंबर आपको वीडियो पे मिल जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ आके बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।